टेंथ क्लास, आज हम आपका हिंदी में लेसन नंबर 3 वारे हमदर्द स्टार्ट करेंगे। घनश्याम अग्रवाल इसके लेखक हैं। वारे हमदर्द जो है ये एक व्यंग प्रसंग है, हास्य व्यंग है, निबंध एक तरह का। कमेंट किया गया है हमारे समाज में कुछ बातों को लेके, जैसे कि किसी के बीमार पड़ने पर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, के बीमार बेचारा बीमारी से कम और लोगों से ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। तो इस पार्ट में भी लेखक जो हैं आपके घनश्याम अग्रवाल, उन्होंने ऐसी ही एक अपना आप बीती आपके सामने रखी है। तो इसको उन्होंने नाम भी दिया है वाहरे हमदर्द। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल और अधिक जोश आया या कार को गुस्सा आया अधिक, ये मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और कार जब करीब आई तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़ी। भाई लेखक कह रहा है कि उस दिन मैं जो हमारा सामाजिक है, जो हमारा सोशल समाज है और जो हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है, इस पर मैंने भाषण सुना था और वो सुनकर मैं आ रहा था क्योंकि मैं साइकिल पर था। जब सामने से कार आती देखी तो मेरी साइकिल को ज़्यादा जोश आ गया या कार को मुझ पर गुस्सा आ गया। लेखक कह रहा है दोनों में से आप जो बात समझें कि दोनों में से जो भी हुआ, लेकिन ये दोनों आपस में भिड़ गई, टकरा गई, कार और साइकिल। तो यहाँ पे लेखक ने बताया है कि वो ज़्यादा जोश में आ गया था देखकर कार को, और उसने अपनी साइकिल ले जाकर कार से टकरा दी, क्योंकि अभी उसने अभी सोशल वीक समाज पर जो आपका अर्थव्यवस्था है उस पर अभी उसने एक भाषण सुना था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जोश में आ गया था। कार और साइकिल आपस में एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से देखा, नफरत की नज़र से देखा और आपस में भिड़े यानी टकरा गए, भिड़ा आया है यहाँ पे, टकरा गए। मैंने खास खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, कहते मैंने बेकार में अमीरी और गरीबी, यहाँ पे समाजवाद जो है वो वीकर सेक्शन को कहा गया है, पूंजीवाद जो है वो जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं उनको कहा गया। तो उसने कहा मैंने बेकार में अपने टांग अड़ाई पूंजीवाद और समाजवाद के चक्कर में, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। और उसका नतीजा क्या निकला कि टांग मेरी टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, ये भी सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। भाई आज भी दुर्घटना जब ये हुई, एक्सीडेंट हुआ, तो ये देखा कि समाज में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं, इंसानियत बाकी है, तो लोग मेरी तरफ मेरी मदद के लिए दौड़ पड़े। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया, इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने करहाते हुए पूछा मैं कहाँ हूँ। लेखक कहता है कि भाई आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया, मेरे आसपास कुछ लोग खड़े थे जिनमें से कुछ परिचित जान पहचान वाले चेहरे थे, कुछ अनजान चेहरे थे। आंख खुलते ही उन चेहरों पर नज़र पड़ी तो मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट दौड़ गई और मैंने पूछा मैं कहाँ हूँ। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर पर फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। भाई कहा गया कि आप एक पब्लिक हॉस्पिटल में हैं, उसके प्राइवेट वार्ड में हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया था। भाई आपके सिर्फ फ्रैक्चर हुआ है पैर में और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश में आने तक वे इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपने टांगों की ओर देखता हूँ, मेरी एक टांग
अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। नहीं लेखक कहता है कि फिर एक व्यक्ति ने जल्दी जल्दी जब मुझे ये सब बताया तो उसकी जल्दबाजी और बोलने से मुझे लगा जैसे वो इंतज़ार कर रहा था कि मैं कब होश में आऊँ और कब वो मुझे ये खबर दे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। फिर मैंने अपने टांगों को देखा तो एक टांग मेरी सही थी और दूसरी टांग टंगी हुई थी। जो फ्रैक्चर टांग थी उसको ऊंचा करके रेत के थैले के सहारे स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। लेखक कहता है कि मेरे दिमाग में एक नया मुहावरा आया, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। कहता है कि भाई अस्पताल तो वैसे ही खतरनाक जगह है, अस्पताल और अगर ये अस्पताल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, सरकारी अस्पताल हो, तो तब तो आप समझिए कि आपकी आत्मा परमात्मा से मिलने ही वाली है। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। उसने कहा भाई ये तो मेरी टांग टूट गई, एक एक्सीडेंट थी, लेकिन मेरी सार्वजनिक अस्पताल में, गवर्नमेंट अस्पताल, सरकारी अस्पताल में दाखिल होना तो मेरे लिए एक दुर्घटना है, एक बहुत बड़ा हादसा है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है। भाई मेरे टांग के टूटने की बात से ज़्यादा डर इस बात का था कि अब मिलने जुलने वाले आएंगे और ये मिलने जुलने वाले जो आते हैं ये बहुत परेशान करते हैं। टांग के टूटने के बहाने मुझसे हमदर्दी जताने आएंगे, पूछताछ करने आएंगे और कभी कभी परेशान कर देते हैं। इस तरह के लोग जीना हराम कर देते हैं, आराम हराम कर देते हैं। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड ये तो एक खुला निमंत्रण है। कि कहता है कि भाई जनरल वार्ड में दाखिल हो जाइए तो सरकारी रूल के हिसाब से टाइम टेबल से लोग आएंगे आपसे मिलने, जो समय दिया जाएगा, लेकिन जो प्राइवेट वार्ड होता है इसमें तो खुली आपके लिए इन्विटेशन है, हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब भी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। और क्या होता है भाई, खुला इनविटेशन है, आ जाओ सब रिश्तेदार, दोस्त, मिलने जुलने वाले, हर एक आ जाओ, और ये एक खुला निमंत्रण है कि आओ और आकर सारे बदले ले लो, ये सही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे अपनी दूसरी टांग भी टूट गई। लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। भाई मिलने वाले जो आएंगे, हमदर्द जो आएंगे, हमदर्दी जताने, उन लोगों का ख्याल आते ही मुझे अब तो ऐसा लगा कि मेरी एक नहीं दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आएंगे जिनकी टांग का या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। अब सबसे पहला खतरा ये था कि सबसे पहले जो लोग मिलने आने वाले वो हैं जिनसे मैं मिलने गया था, उनकी टांग टूटी या कुछ और टूटा, यानी किसी भी एक्सीडेंट में किसी को जो तकलीफ़ हुई, किसी का एक्सीडेंट हुआ, दोस्तों में, मिलने वाले रिश्तेदारों में, तो मैं जो उनके यहाँ गया तो मुझे लगा सबसे पहले वही लोग आएंगे। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। इनकी हमदर्दी में ये बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा वक्त सब पर आता है। भाई क्या है, सबसे पहले ये जो लोग आए कि इनकी हमदर्दी में एक बात छुपी होती है कि ये सोच के ही आते हैं कि देख बेटा वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत भी
अब भी आए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। यानी अब क्या होता है, दर्द के मारे मरीज को नींद नहीं आती है, तकलीफ में होता है, और बाकी अगर थोड़ा आराम करना चाहे तो जो मिलने लोग आते हैं वो आराम करने नहीं देते, वो अपनी फॉर्मेलिटी निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू और आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय ये सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वो मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आँख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। तो फिर जो सबसे पहले मिलने आए तो मेरे ऑफिस के बाबू मिलने आए, बड़े बाबू ने हेड क्लर्क, और उन्होंने आकर मुझे सोता हुआ देखा, जबकि मैं तो नाटक में सो रहा था। लेखक कह रहा क्योंकि मैंने सोच लिया था कि आज कोई भी आएगा मुझसे मिलने मैं आँख नहीं खोलूँगा, सोता ही रहूँगा। पहले तो उन्होंने धीरे धीरे हिलाया ताकि मैं जाग जाऊँ, और आँख नहीं खुली तो उन्होंने जहाँ से टांग टूटी थी उसी टूटी हुई टांग को पकड़ के ज़ोर से हिला दिया। और जब मैंने चीखते हुए आँख खोली तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। सबसे पहले मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत के हिसाब से आते हैं, फुर्सत के समय में आते हैं। जो सबसे पहले मुझसे मिलने आई वो सोनाबाई थी। वो अपने 4 बच्चों को लेकर हॉस्पिटल आई थी, और उसने आते अपने बच्चों से इस तरह से कहा था कि ये देखिए चाचा जी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो बंदर दिखा रही हूँ। यहाँ लेखक कह रहा है कि मतलब अस्पताल में जितने लोग हैं उससे कोई भी कभी भी मिलने चला आ रहे हैं, सब लोग अपनी सुविधा के हिसाब से आ रहे हैं, और मोहल्ले वाले तो पूरे पूरी फैमिली लेकर आ रहे हैं मिलने के लिए। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज़ पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। भाई बच्चे मस्ती करने लगे, कोई टेबल पे चढ़ गया, कोई कुर्सी पे चढ़ गया, कोई मेज़ पे चढ़ गया, और सोनाबाई की छोटी लड़की तो दवाइयों की बॉटल्स उठा के हाथ में कथकली करने लगे, इन्हें नाचने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बांटा। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। भाई अचानक मैंने एक आवाज़ रप रप की आवाज़ पे देखा तो जो रेत की थैली का मेरी टांग को सहारा दिया गया था उस पर सोनाबाई का बेटा बॉक्सिंग कर रहा था। जैसे अभी मैं कुछ कहने ही वाला था कि इतने में उसकी बेटी ने वो दवा की शीशी जो हाथ में उठाई थी वो फेंक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई ये कहकर के फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काम गया। भाई सोनाबाई ने पहले तो लड़की को घूरा दवा की शीशी तोड़ देने पे, फिर अचानक हंसने लगी और बोलने लगी कि भई अब मुझे आप मिठाई खिलाइए, क्योंकि दवा की शीशी गिर के टूटना शुभ होता है। अगर दवा गई तो समझो बीमारी गई। और फिर वो 2 घंटे तक बैठी रही और उसके बाद गई ये कहकर के मैं फिर आऊँगी। तो लेखक कहता है कि उसके फिर आने की बात सुनकर मैं कांप गया, डर गया कि भई इतनी तो अभी उसने सता करके। इस तरह लेखक ने बताया कि कैसे जो बीमार को देखने आते हैं, मरीज़ को देखने आते हैं, तो किस तरह से मरीज़ उनसे परेशान हो जाता है। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे
रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं, कुछ लोग तो हद कर देते हैं फॉर्मेलिटी निभाने के, रिश्तेदारी निभाने की, खास करके ऐसे लोग जो दूसरे गांव से आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वे थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गाड़े रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था, आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। क्या हुआ, एक आदमी टैक्सी से उतरा, लेखक कहते हैं, और आकर मेरे सीने पे सीधा गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि भाई कार वाले का सत्यानाश हो, भाई जिसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया है। लेखक कहते हैं, मैंने कहा भाई तू क्यों रो रहे हैं, एक्सीडेंट मेरा हुआ है। फिर उसने खूब रो कर निमड़ गया और सिर उठाया तो शक्ल देख कर फौरन कहने लगा कि भाई आजकल लोग गलत एड्रेस बता देते हैं, शायद गुप्ता जी का रूम जो है वो आपके बराबर वाला है। हैं अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वे चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए। फिर थोड़ी देर बाद बराबर वाले कमरे से उसी तरह रोने की आवाज़ आई, लेकिन मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरी पत्नी ने उसको रोता देख के मेरा रिश्तेदार समझा था, जान पहचान वाला समझा था, और जो टैक्सी में वो बैठकर आया था उस टैक्सी का किराया भी दे दिया था। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं श्री लपकानंद, उनकी बेतुकी कविताओं से मेरा शहर सारा शहर परेशान है। मैं आकर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। तो लेखक ने कहा कि भाई ऐसे लोग ज़रूर आते हैं जिनकी आप सूरत नहीं देखना चाहते, जिनको आप पसंद नहीं करते। ऐसे ही हमारे शहर में कवि हैं जिनका नाम लपकानंद है, उनकी कविताओं से सारा शहर परेशान है, क्योंकि कवि या शायर की आदत होती है ना, वो कविताएँ और शायरी सुना के सामने वाले को पका देता है, बोर कर देता है और बहुत समय तक बैठता है, बहुत समय तक ले लेता है लोगों का। तो कहते हैं, लेकिन अगर मैं कभी उनको आता देखता हूँ तो भाग खड़ा होता हूँ, यानी वहाँ से भाग जाता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झूला दबाया पहुँचे, आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ रात को इसी संदर्भ में ये कविता बनाई। ये कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। फिर मैंने कहा कि भाई हाँ, मैंने था नहीं यहाँ जब आपका एक्सीडेंट हुआ, 4-5 दिन से मैं सोच रहा था आने की, कवि सम्मेलनों में बिजी था। और ये कहकर उन्होंने झोले में से अपनी कविता की किताब निकाल के शुरू हो गए। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। इस तरह उन्होंने कविता सुनानी शुरू की जो उनके टूटे हुए पैर पर थी, लेखक के, कि असम की राजधानी शिलोंग है और मेरे दोस्त की टांग टूट गई है और मोटर वाले की साइड जो थी वो रॉन्ग थी। कविता सुनकर मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर
कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। जैसे मुझसे पूछ रहे हो कि बेटा क्या अब भी भागेगा मेरी कविताओं से, बता कविता कैसी लगी। और फिर मैंने उनको चाय पिलाई और उनको चलता कर दिया, विदा किया कि अगली बार आएंगे तो मैं ज़्यादा कविताएं सुनूंगा। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपया उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। तो अक्सर मैं ईश्वर से कहता हूँ, हे भगवान ईश्वर, अगर तुझे मेरी टांग तोड़नी है दूसरी, तो वहाँ तोड़ना जहाँ मुझे कोई जानने वाला मौजूद ना हो, क्योंकि ये लोग बहुत बेरहम होते हैं। कौन? जो हम पर हमदर्दी जताते हैं आकर। तो हंसी घर के आईने से ये एक लेख है, निबंध है, जो आपके लिए व्यंग है। यहाँ पे लेखक ने बताया है कि किस तरह से अगर कोई बीमार हो जाए या अस्पताल में भर्ती हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, तो जो लोग मिलने आते हैं वो किस तरह से परेशान करते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। तो बारे हमदर्द, आपके लिए ये लेसन ख़त्म हुआ आपके होमवर्क में। ये शब्द मीनिंग्स हैं, दो मुहावरे हैं, ये आपको करने हैं। जैसे टांग अड़ाना और कांप उठना, मुहावरों का काम करना है, वो आपके आता है एग्ज़ाम्स में। उसके बाद जो ये है आपके लिए, कृतियाँ कीजिए, तो ये सब आपको करना है। और वारे हमदर्द रीड करके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समझ में नहीं आ रहा है पूछना है। इसके पैसेजेस करने हैं आपको खुद हिंदी के, और फिर लिखने हैं, और समझ में नहीं आए तो पूछने हैं आपको।